गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टाफ ऑफिसर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून निवी ऑफिसर्स. इस ऑनलाइन वर्चुअल ऑनलाइन क्लास के लिए निवी ऑफिसर्स ने मुझे अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मेजरिंग मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग टूल्स. आज का जो टॉपिक्स है हमारा लेथ मशीन्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा लेथ मशीन्स. व्हाट इज लेथ मशीन्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं लेथ मशीन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप देख रहे हैं लेथ मशीन्स आपने सभी ने देखा है कि लेथ मशीन्स कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है और ये मशीन्स कैसी दिखती है. ओके तो फर्स्ट स्लाइड में हमने इसको शो किया है कि लेथ मशीन्स किस आकार में दिखती है, इसका इस मशीन्स का शेप कैसा है और किस डिजाइन से इसको बनाया गया है. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज इस टॉपिक के बारे में हम क्या क्या सीखेंगे और इसको डेवलप किसने किया था, इसका पार्ट्स वगैरह क्या है. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेथ मशीन्स. इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इसमें वेरियस इस मशीन्स में एक मशीन्स है जिसको हम लेथ मशीन्स का नाम दे रहे हैं. ओके तो बट इसमें वेरियस पार्ट्स वगैरह भी दिखा रहे हैं कि कैसे कौन कौन से पार्ट्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक के बारे में हम क्या क्या सीखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ लेथ मशीन्स, पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन्स, टाइप्स ऑफ लेथ मशीन्स, लेथ ऑपरेशंस, लेथ कटिंग टूल्स, वर्किंग होल्डिंग डिवाइस एंड लेथ कटिंग स्पीड एंड फीड. लास्ट में जो हमारा आता है लेथ सेफ्टी एंड मेंटेनेंस. ओके इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मेंटेनेंस टू लेथ मशीन्स. ओके सॉरी इंट्रोडक्शन टू लेथ मशीन्स. इस मशीन्स का इंट्रोडक्शन कैसा है, लेथ मशीन्स इज अ मशीन टूल. ओके बट इस मशीन्स के द्वारा हम फ्रॉम एज पर ड्राइंग के हिसाब से हम उसको वेरियस शेप एंड साइज में बना सकते हैं. ओके बट ये मशीन्स लेथ मशीन्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मशीन है. एवरी वर्कशॉप में लेथ मशीन्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी. वेरी इंपॉर्टेंट मशीन है ये. किसी भी वर्कशॉप में इंडस्ट्री में आपको फर्स्ट लेथ मशीन्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी. ओके देन लेथ मशीन्स ऑपरेटेड प्रिंसिपल ऑफ द रोटेटिंग. देखिए इसमें जो वर्क पीस है रोटेट करता है, देन आपका जो कटिंग टूल्स है वो फिक्स रहता है, मीन्स उसको फीड वगैरह हम मूवमेंट्स दे सकते हैं. ओके देन इसमें एक पॉइंट्स आता है व्हाट इज मशीन्स एंड मशीन टूल. डिफरेंट बिटवीन मशीन्स एंड मशीन टूल. हम सोचते हैं लेथ मशीन्स है, लेथ मशीन्स कुछ है, बट लेथ मशीन्स इज अ मशीन टूल्स. ओके तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मशीन्स, राइट? मशीन्स व्हाट इज मशीन्स क्या है? एक स्मॉल स्मॉल पार्ट्स या स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स मिला के असेंबल तैयार किया जाता है. वो तैयार करने के बाद एक मशीन्स बनाई जाती है. आप देखिए इसमें नीचे अंडरलाइन किया गया मींस मशीन्स, स्विंग मशीन्स या लेथ मशीन्स. लेथ मशीन्स से वेरियस कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स वगैरह एक मशीन्स तैयार किया गया जिसका नाम मशीन्स बोलते हैं. बट मशीन्स टूल्स क्या है? मशीन्स टूल्स इज ए मशीन्स, राइट? बट मशीन्स टूल्स इज ए मशीन्स. ओके बट ड्रिवन बाय ए पावर दैट कैन वेरियस कट शेप्स एंड फिनिश मेटल्स या अदर मटेरियल. ओके लेथ मशीन्स मशीन है बट मशीन्स टूल है. लेथ मशीन्स इज ए मशीन टूल बट ड्रिवन बाय पावर. क्या करते हैं इसके द्वारा? वेरियस शेप, वेरियस कट. Usually cuttings, boring and grinding, shaping, sharing operations वगैरह कर सकते हैं. Workpiece provide of guide. Okay. Then introductions to lathe machine, lathe machines introductions. Machines, lathe machines is a machine tool which is used to remove. Okay. Machine tool is used to hold workpiece, perform various metal removing operations.
कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, फेसिंग, टर्निंग, ग्रूविंग, चैम्परिंग, थ्रेडिंग, ऑल ऑपरेशंस हम इस लेथ मशीन से कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड आता है फुल फॉर्म ऑफ लेथ मशीन्स। ओके, तो फुल फॉर्म ऑफ लेथ मशीन्स देखिए आप, एल मीन्स लॉन्गिट्यूडनल, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में जो भी जॉब्स वगैरह हम वर्क कर सकते हैं। एक्सिस मीन्स क्या रहता है, टू एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस पे हम वर्क, एक्स और जेड एक्सिस पे ये लेथ मशीन्स वर्क करता है। टूल्स क्या क्या यूज कर सकते हैं, सिंगल पॉइंट टूल्स यूज करते हैं, वेरियस टर्निंग टूल्स वगैरह हम यूज करते हैं। देन होल्डिंग्स क्या है, एच मीन्स क्या दिया गया, होल्डिंग्स, क्या क्या होल्डिंग्स है, मीन्स थ्री जा चक, फोर जा चक, कॉलेट्स या मैग्नेटिक चक्स। ओके, इक्विपमेंट्स मीन्स वेरियस इक्विपमेंट्स वगैरह, ये लेथ मशीन्स का फुल फॉर्म हमने। देन हिस्ट्री क्या है, इस लेथ मशीन्स की हिस्ट्री क्या है, लेथ मशीन्स ऑल मशीन्स का फादर कहते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोर्टल व्हील्स, व्हाट इज पोर्टल व्हील्स, आप देख सकते हैं पोर्टल व्हील्स मीन्स कुमार का चक, या आप नेक्स्ट स्लाइड दिस कॉल्ड ऑफ पोर्टल व्हील्स आप देख सकते हैं, एक कुम्हार का चक होता है, सभी ने देखा है कि मिट्टी बनाने वाला कुम्हार उसको कैसे वर्क करते हैं, एक व्हील मूवमेंट्स किया जाता है उसको, एक कुम्हार वेरियस शेप जिसको बोलते हैं पोर्टल्स व्हील, मीन्स एक कुम्हार का जो मूवमेंट्स वगैरह देते हैं उसको राउंड वगैरह, उसका जो चक वगैरह है मूवमेंट्स करने के बाद उसको मिट्टी को वेरियस शेप वगैरह कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे फर्स्ट स्लाइड में पोर्टल्स व्हील्स के द्वारा इसको मूवमेंट्स दिया जाता है, सिलेंड्रिकल जॉब, वेरियस टर्निंग्स, टेपर्स, वेरियस ऑपरेशंस वगैरह आप डीलिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं। ओके, तो ये वेरियस ओल्डेस्ट मशीन है, बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है, इसको फर्स्ट जो हमारे मशीन्स किया था वुड कटिंग मशीन्स किया गया था, इसको कॉल्ड ऑफ इंजन लेथ वगैरह इसको किया था, फर्स्ट टाइप्स ऑफ लेथ वाज ड्रिवन बाय स्टीम इंजन्स। ओके, तो ये पोर्टल्स व्हील्स के बारे में मैंने डिस्कस किया कि एक कुम्हार का जो चक होता है उस वो सिलेंड्रिकल मूवमेंट्स जो भी जॉब्स को वेरियस शेप वगैरह, वेरियस डिजाइंस वगैरह में इसको ऑपरेशंस कर सकते हैं। ओके, देन हु इज द फादर ऑफ लेथ मशीन्स, लेथ मशीन्स के जो हमारे फादर्स हैं वो कौन है, किसने इसको इसको इन्वेंशन किया हुआ था, देन हम इसको देख सकते हैं कि हेनरी मॉड्सले नामक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस मशीन्स को डेवलप किया था। ओके, देन इस मशीन्स को ऑल मशीन्स की मदर बोलते हैं, मदर लेथ मशीन्स इज कॉल ऑफ मदर्स, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इस मशीन से ऑल ऑपरेशंस कर सकते हैं, ऑल ऑपरेशंस मीन्स फेसिंग, टर्निंग, कोई भी ऑपरेशन हम करना है या रिपेयर वर्क करना है तो हम इस मशीन लेथ मशीन से वर्क कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हमारी आती है कि वेरियस पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन्स, मेन पार्ट्स हमने आपको इस स्लाइड में दिखाया हुआ है। नंबर एक नीचे से बात करते हैं, बेड, हेडस्टॉक, टेलीस्टॉक, कैरेज और क्विक चेंज गियरबॉक्स। नंबर एक बेड स्टॉक, टेलीस्टॉक, हेडस्टॉक, कैरेज। ओके, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि बेड स्टॉक यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, टैली स्टॉक आप एरो देख सकते हैं और हेड स्टॉक का जो एरो है वो भी आप देख सकते हैं। क्विक चेंज गियर मींस इसमें जो आप देख सकते हैं कैरेज को यहाँ पे पॉइंट किया गया है। ओके, देन वेरियस कंपोज डिस्क्रिप्शंस मींस फर्स्ट स्लाइड में हमने हेड स्टॉक में क्या क्या, हेड स्टॉक, बेड, एफ्रॉन, टैली स्टॉक, कैरीज, इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिया है। देख बेड में बात करते हैं, बेड आप देख सकते हैं, देन हेड स्टॉक में स्पिंडल्स, सिविल क्लैच, स्पिंडल स्पीड्स, सिलेक्शंस, वेरियस हेड स्टॉक्स असेंबली वगैरह दिया गया है, फीड सिलेक्टर दिया गया है, चिप पेन वगैरह दिया है, क्लच वगैरह दिया है, एफ्रॉन्स की बात करते हैं, कैरीज की बात करते हैं, वेरियस टूल पोस्ट, कंपाउंड रेस्ट, क्रॉस स्लाइड और क्लच, स्प्रिट नट, बॉक्स नट, एफ्रॉन वगैरह में लीड स्क्रू, फीड रॉड, कैरीज, और इसके बाद टेलीस्टॉक की बात करते हैं, डेड सेंटर, टेलीस्टॉक क्विक एंड टेलीस्टॉक्स असेंबली, हैंडल्स और बेड वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, चेक कूलेंट्स, मोटर्स वगैरह, ट्रे वगैरह प्रोवाइड की गई है, ये वेरियस कंपोनेंट डिस्क्रिप्शंस। ओके, देन वेरियस पार्ट्स जो मेन पार्ट्स हम आपको बता रहे हैं, पार्ट्स में नंबर एक बेड,
हेड स्टॉक, टैली स्टॉक, कैरिज और लीड स्क्रूज। ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेड, बेड ग्रेन कास्ट आयरन का बनाया जाता है। देन इसमें टू टाइप्स होते हैं, नंबर फ्लैट बेड और वी बेड। ओके, देन लेथ बेड की बात करते हैं। लेथ बेड किस शेप में लेथ बेड रहता है, इसका वर्क क्या रहता है, वर्किंग पार्ट्स ऑफ लेथ ऑन दिस टॉप सेक्शंस एंड मशीन्स। लेथ बेड सारी मशीन्स, जो भी मशीन्स के ऐसे पार्ट्स वगैरह रहते हैं, उसके सपोर्ट्स वगैरह वर्किंग करने के लिए, जो भी मेटल्स वगैरह, जो भी ऑपरेशंस वगैरह, हैवी मेटल्स वगैरह को, देन आप देख सकते हैं लेथ बेड। हेड स्टॉक वेरी इंपॉर्टेंट, जो बेड के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्लैम्प्स, ऑन साइड क्लैम्प्स रहता है। हेड स्टॉक स्पिंडल्स, हेलो स्पिंडल्स, शाफ्ट सपोर्ट टू दिस बैरिंग्स, जो शाफ्ट स्पिंडल, जो सिलेंड्रिकल शाफ्ट सपोर्ट रहता है, वो बैरिंग के साथ में रहता है। गियर्स वगैरह इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइफ सेंटर, फेस सेंटर, चेक वगैरह भी फिटेड किया जाता है। ओके, ये बेड के लेफ्ट हैंड साइड में आपको हेड स्टॉक देखने के लिए मिल जाएगा, ड्रिवन बाय वेरियस गियर्स, वेरियस पुलिस वगैरह, जो ड्रिवन है पुलिस, पुली और गियर्स वगैरह, इसमें फिट मेकैनिज्म्स वगैरह इसमें फिट किए जाते हैं, लेडी स्क्रूज वगैरह। देन आप देख सकते हैं वेरियस हेड स्टॉक, टाइप्स ऑफ हेड स्टॉक मीन्स किस तरह से हेड स्टॉक वर्क करता है, कौन पुली हेड स्टॉक, गियर टाइप हेड स्टॉक। ओके, ये टू टाइप्स ऑफ हेड स्टॉक आपको देखने के लिए मिल जाता है। नंबर एक हेड स्टॉक आप देख सकते हैं, नंबर एक कोन पुली हेड स्टॉक, नंबर दूसरा गियर, ऑल गियर हेड स्टॉक। ओके, क्विक चेंज गियर बॉक्स आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ गियर्स, इसमें क्या क्या प्रोवाइड रहता है, फीड रॉड प्रोवाइड किया जाता है क्विक चेंज गियर बॉक्स में, फीड रॉड, लीड स्क्रूज और वेरियस फीड रॉड मीन्स क्या क्या मूवमेंट्स देता है, ऑटोमेटिक लीवर वगैरह इंगेज कर सकते हैं फीड रॉड को, देन लीड स्क्रूज वगैरह, इसमें भी कैरिज ऑफ लीड स्क्रूज वगैरह जो वर्क करता है थ्रेडिंग्स, थ्रेड कटिंग्स ऑपरेशंस वगैरह के लिए हम हाफ नट्स वगैरह इंगेज करते हैं। ओके, देन यू जस्ट अंडरस्टैंड वेरियस क्विक चेंज गियर बॉक्स। ओके, वेरियस गियर बॉक्स आप देख सकते हैं, ये आप जब मेंटेनेंस वर्क करते हैं तो आपको इस तरह से देखने के लिए आपको मिलता है। देन नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड कैरिज, कैरिज यूज फॉर मूव कटिंग टूल्स अलोंग लेथ बेड। ओके, बट इसमें कैरिज में क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, कैरिज में कंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्री मेन पार्ट्स, सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड और एफ्रॉन। ओके, तो सैडल्स में क्या, सैडल्स एस शेप में आपको दिखाता है, एस शेप में आपको देखने के लिए मिलता है माउंटिंग और द टॉप ऑफ लेथ बेस। ओके ओके, क्रॉस स्लाइड एंड एफ्रॉन्स, क्रॉस स्लाइड एंड एफ्रॉन, सैडल आपको एस शेप में देखने के लिए मिल जाता है। देन आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कैरिज, आप देख सकते हैं कैरिज में आप देखिए सैडल आपको देख, सैडल, कंपाउंड रेस्ट, क्रॉस स्लाइड और एफ्रॉन। ओके, बात करते हैं सैडल, ये देखिए एस शेप में आपको देखने के लिए मिलता है बैठ के। ओके, देन क्रॉस स्लाइड कहाँ पे माउंट किया जाता है, क्रॉस स्लाइड माउंटेड ऑन सैडल। ओके, मीन्स ऑटोमेटिक क्रॉस स्लाइड मूवमेंट्स ऑफ कटिंग टूल्स कंपोनेंट्स रेस्ट करने फिटेड ऑफ द टॉप ऑफ क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट जो फिटेड रहता है वो क्रॉस स्लाइड के ऊपर रहता है, यूज ऑफ सपोर्ट कटिंग टूल्स किसी भी एंगल से उसको मूवमेंट्स कर देते हैं, एंगल्स क्यों मूवमेंट्स करते हैं, टेपर टर्निंग्स वगैरह मूवमेंट्स देने के लिए। ओके, देन क्रॉस स्लाइड आप देख सकते हैं, क्रॉस स्लाइड किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है। देन एफ्रॉन को जो सैडल्स के साथ में फिट किया, फास्टनर के द्वारा नट बोल्ट के सहायता से फिट किया जाता है, वेरियस मैकेनिज्म्स वगैरह इसमें फिट किया जाता है, स्लाइड ऑटोमेटिकली मूवमेंट्स के लिए वेरियस एफ्रॉन्स मूवमेंट्स इंगेज एंड हाफ नट्स वगैरह, लीवर्स वगैरह, ऑटोमेटिक फीड लेवर्स वगैरह एंड सम गियर्स वगैरह भी इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, ऑटोमेटिक फीड वगैरह, हैंडल्स, हैंड व्हील्स टर्न मैनुअली या मूवमेंट्स या कैरिज वगैरह, ऑटोमेटिक फीड वगैरह देने के लिए एफ्रॉन्स वगैरह में गियर्स वगैरह
दिए जाते हैं। एफ्रॉन में देख सकते हैं कि सैडल, कंपाउंड रेस्ट, स्क्रू हैंडल्स, क्रॉस लाइट, देन हाफ नट्स, लीवर्स, ऑटोमेटिक फीड रॉड एंड स्क्रू फीड रॉड, लीड स्क्रू और क्रॉस फीड स्क्रूज हैंडल्स एफ्रॉन में आप देख सकते हैं। देन ऑटोमेटिक फीड लीवर्स इंगेज करते हैं उसको, ऑटोमेटिक फीड वगैरह कैरिज को मूवमेंट्स देने के लिए। फीड चेंज लीवर कैन बी शिफ्ट, लॉन्गिट्यूडनल फीड, क्रॉस फीड, ओके। कैरिज मूव्स ऑटोमेटिक व्हेन दिस हाफ नट्स वगैरह के लिए मूवमेंट्स वगैरह दे सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड आता है हमारा लेथ कैरिज, ओके। लेथ कैरिज के पार्ट्स वगैरह जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था, टाइप्स ऑफ पार्ट्स, सैडल बेस, क्रॉस स्लाइड, सिविल बॉय बेस, लूजिंग नट्स बेस, टूल पोस्ट स्लाइड हैंडल्स, टूल पोस्ट स्क्रूज एंड हैंडल्स, वेरियस स्क्रूज, एफ्रॉन हैंडल्स, हैंड व्हील्स, लीड स्क्रूज, हाफ नट एंड लीवर्स। सबसे ज्यादा पार्ट्स कैरिज में ही आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि कैरिज टेल स्टॉक और हेड स्टॉक के बीच में हमारे पास कैरिज फिट किया जाता है, और इसमें वेरियस कंपोनेंट्स वगैरह, वेरियस पार्ट्स वगैरह फिट किए जाते हैं, ओके। टेलीस्टॉक में, टेलीस्टॉक जो हमारा है वो राइट हैंड के जो हमारा है, टेलीस्टॉक में मीन्स इसका मटेरियल्स, कास्ट आयरन्स एंड वेरियस यूजेस वगैरह किया है, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन सपोर्ट दिस। वर्क और ये टेलीस्टॉक वगैरह को, टेलीस्टॉक अपर एंड लोअर टेलीस्टॉक कास्टिंग किया जाता है, इसको टर्निंग्स टू स्क्रूज के द्वारा उसको फिट किया जाता है, मींस टू नट बोल्ट्स के साथ उसको बेड में किया जाता है। इंटरनल टेपर्स वगैरह रिसीव डेड सेंटर्स वगैरह रहते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ राइट हैंड एंड ऑफ द वर्क, ओके। टेलीस्टॉक आप देख सकते हैं, टेलीस्टॉक में फर्स्ट में देखिए डेड सेंटर्स वगैरह, टेलीस्टॉक स्पिंडल्स, टेलीस्टॉक स्पिंडल क्लैंप करने के लिए, मींस मूवमेंट्स नहीं, मूवमेंट्स बैक साइड का मूवमेंट्स नहीं रहे, टेलीस्टॉक हैंडल, हैंड व्हील, टेलीस्टॉक क्लैंप लीवर्स, देन ऑफसेटिंग्स स्क्रूज वगैरह, ओके। ये वेरियस पार्ट्स वगैरह टेलीस्टॉक के आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ऑफ सेटिंग्स, स्पीड ऑफ सेटिंग्स कैसे करते हैं, स्पीड्स वगैरह कैसे करते हैं, स्पीड स्पीड को कैसे मेजर करते हैं, रिवॉल्यूशंस पर मिनट्स में करते हैं, इसको दो तरह से कर सकते हैं। बेल्ट ड्राइव सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, पुलिस को स्टेप पुलिस वगैरह रहते हैं, देन गेयर्स वगैरह रहते हैं, जिसमें बेल्ट ड्राइव, बेल्ट ड्रिवन लेथ मशीन्स वेरियस स्पीड वगैरह हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट की सहायता से, और वेरियस गेयर्स वगैरह, हम गेयर्स हेड लेंथ मतलब स्पीड वगैरह हम चेंज करते हैं, वेरियस गेयर्स वगैरह हम चेंज करके, ओके। स्पीड वगैरह हम इंगेज स्पीड ऑन इंजन लेथ मींस डिस्टेंस कैरेज ऑफ ट्रेवल्स ऑन दी वन रिवॉल्यूशंस ऑफ स्पिंडल्स डिपेंड ऑफ स्पीड ऑफ फीड रॉड एंड लीड स्क्रूज, ओके। मीन्स कटिंग स्पीड और फीड वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ लेथ मशीन्स, इसको हम इंगेज करते हैं। बट शेयर पिन और शेयर पिन वगैरह किस लिए प्रोवाइड करते हैं, और स्लिप क्लच वगैरह किस लिए प्रोवाइड करते हैं, ओके। टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ फीड मैकेनिज्म्स फ्रॉम द ओवरलोड ऑफ ओवरलोड्स वगैरह के लिए शेयर पिन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। ये शेयर पिन किस सॉफ्ट मटेरियल्स वगैरह के बनाए जाते हैं, जिससे हमारा अदर्स गेयर्स वगैरह डैमेज वगैरह ना हो, इस वजह से हमें शेयर पिन सॉफ्ट मटेरियल्स वगैरह के लिए बनाए जाते हैं। और क्लच वगैरह, स्लिप क्लच वगैरह जब कभी हमें फाउंड ओनली फॉर द फीड रॉड्स वगैरह, जब कभी ओवरलोड्स वगैरह हो जाते हैं वहाँ पे शेयर पिन्स एंड स्लिप क्लच वगैरह स्लिप करने लगते हैं, वहाँ पे हमें हमारे जो वेरियस गियर्स वगैरह होते हैं वो डैमेज होने से प्रिवेंट डैमेज मीन्स उसको रोकथाम कर सकते हैं, ओके। ये आप देख सकते हैं वेरियस शेयर पिन्स वगैरह कहाँ कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, और क्लच वगैरह
स्प्रिंग बॉल क्लच वगैरह किया जाता है जिसकी वजह से वो क्लच वगैरह स्लिप करने लगते हैं और हमारे जो इम्पोर्टेंट गियर्स वगैरह हैं वो डैमेज नहीं होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल लेथ, प्रोडक्शन लेथ और स्पेशल पर्पज ऑफ लेथ। ओके, ये थ्री टाइप्स में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। सेंट्रल लेथ की बात करते हैं, सेंट्रल लेथ में हमारा बेंच लेथ, इंजन लेथ, टूल रूम लेथ और हैंड लेथ। ओके, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन प्रोडक्शन लेथ, कैपेसिटर लेथ, टर्रेट लेथ, ऑटोमेटिक लेथ एंड मल्टी स्पिंडल लेथ। ओके, स्पेशल पर्पज की बात करते हैं, व्हील टर्निंग लेथ, पॉपिंग लेथ, वर्टिकल लेथ, रोलिंग लेथ, क्रैंकशाफ्ट टर्निंग लेथ, क्रैंकशाफ्ट टर्निंग लेथ। ओके, क्रैंकशाफ्ट टर्निंग लेथ, ये वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन्स है। इंजन लेथ की बात करते हैं, ये मोस्टली इंजन लेथ मींस मोटर ड्रिवन लार्ज ऑपरेशन, लार्ज साइज, लार्ज शेप वगैरह में हमें के लिए मिल जाता है। इंजन लेथ कॉमन पर्पज के लिए हम यूज करते हैं, कहीं भी आपको इंजन लेथ देखने के लिए मिल जाएगी। और ये बेंच लेथ मींस स्मॉल वर्क के लिए, प्रोसेसिंग वर्क के लिए करते हैं, स्मॉल साइज वर्क के लिए हम बेंच वगैरह रहता है। टैकल लेथ हमारा एक वेरियस टेम्पलेट्स वगैरह रहता है, उसके हिसाब से हम ये टैकल लेथ वगैरह देखें। ऑटोमेटिक लेथ की बात करते हैं, ऑटोमेटिक लेथ मींस ऑटोमेटिक फीड एंड रिमूव विदाउट यूज ऑफ ऑपरेटर्स वगैरह कर सकते हैं, कटिंग ऑपरेशंस एंड ऑटोमेटिकली कंट्रोल्स वगैरह भी हम सीक्वेंस, एक एक सीक्वेंस के द्वारा हम ऑटोमेटिक लेथ वगैरह में ऑपरेट कर सकते हैं। टरेट लेथ में वेरियस मल्टीपर्पज टूल्स माउंटेड किए रहते हैं ऑन द टरेट। ठीक है, वेरियस एट ए टाइम्स हम अटैच टू दिस टेलीस्टॉक, एट ए टाइम हम वेरियस ऑपरेशन हम इस टरेट लेथ के द्वारा कर सकते हैं। कंप्यूटर कंट्रोल लेथ मीन्स, कंप्यूटर कंट्रोल मीन्स जो भी ऑपरेशन इस मशीन, इस लेथ मशीन के द्वारा हम करते हैं वो कंप्यूटर लेथ में प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग वगैरह फिट कर दिया जाता है और वो सारे ऑपरेशन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। देखने के लिए मिल जाता है, ये नॉर्मली मैनुअल ऑपरेट करता है, देन ऑटोमेटिकली ऑपरेट भी कर सकते हैं। ओके, देन इंजन लेथ, इस स्लाइड में इंजन लेथ दिखाया गया, इंजन लेथ किस तरह से होता है। देन स्पेशल टाइप्स ऑफ लेथ, टरेट लेथ, यूज ऑफ मेनी डुप्लीकेट पार्ट्स रिक्वायर्ड एंड वेरियस मल्टी स्लाइड टूल टरेट ऑटोमेटिक लेथ वगैरह है, ये डिफरेंट ऑपरेशन वगैरह भी परफॉर्म कर सकते हैं एंड प्रोडक्शन वगैरह भी। टैकल लेथ वगैरह आप देख सकते हैं, डुप्लीकेट पार्ट्स वगैरह रिक्वायर्ड, हाइड्रोलिक ऑपरेशंस, क्रॉस लाइट कंट्रोल्स ऑफ दिस बेयरिंग्स अगेंस्ट राउंड्स ऑफ टेम्पलेट्स वगैरह। टैकल लेथ मींस कॉपी। ओके, स्पेशल पर्पज मींस एक प्रोग्रामिंग वगैरह रहता है, इसमें टू एक्स डीआरओ सिस्टम्स लगाए हैं। डीआरओ सिस्टम मींस डिजिटल लिंक, इसमें एक्स और वाई दो एक्सिस पे वर्क किया जाता है, कटिंग टूल्स वगैरह दो एक्सिस पे। एक कंट्रोलिंग न्यूमेरिकल सीएनसी लेथ वगैरह स्पेशल पर्पज, जिसमें कंप्यूटर के द्वारा हम प्रोग्रामिंग वगैरह फिट करके उसको परफॉर्म सीक्वेंस बाय ऑपरेशंस वगैरह ऑटोमेटिकली सीक्वेंस वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं। देन सीएनसी मशीन्स देख सकते हैं, इसमें दिखा गया सीएनसी लेथ। देन नेक्स्ट स्लाइड हम डिस्कस करते हैं, इसको हम स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन्स। ओके, इसका स्पेसिफिकेशन कैसे रहता है, देन डिस्कस करते हैं। लेंथ ऑफ बेड नंबर वन, नंबर ऑफ लेंथ ऑफ बेड, किस टाइप का हमें बेड चाहिए। ठीक है, कितने लेंथ का हमें बेड चाहिए, मीन्स 300, 500 या 3000 नंबर का बेड चाहिए। टाइप्स ऑफ बेड, कौन सा बेड चाहिए, फ्लैट बेड चाहिए, वी बेड चाहिए, किस टाइप का बेड आपको रिक्वायरमेंट्स है। अकॉर्डिंग ऑपरेशंस, अकॉर्डिंग टू वर्क के हिसाब से हमें किस टाइप के हमें प्रोवाइड किया जाता है। टाइप्स ऑफ हेड स्टॉक मीन्स किस टाइप के हेड स्टॉक की बात करते हैं, अगर हम हेड स्टॉक की बात करते हैं मीन्स पुली, स्टेप पुलिस वगैरह
करना है या गियर टाइप साइड स्टॉक करना है, सेंटर मींस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स के हिसाब से हम कैसे करते हैं, हाइट ऑफ सेंटर्स जो उसका हाइट है उसको हाइट ऑफ सेंटर्स के हिसाब से स्विवल ओवर बैट के हिसाब से करते हैं, स्पिंडल बोर्ड साइज मींस करते हैं, हॉर्स पावर ऑफ एंड वेट ऑफ मशीन्स और हेड ऑफ स्पेस कैसे कितना उसके हिसाब से हम स्पेसिफिकेशन इसको हम स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन्स। ओके देन डिस्कस करते हैं लेथ ऑफ साइज वेरियस डिजाइंस वगैरह। यस आप देख सकते हैं लार्ज डायमीटर्स कैन बी स्विवल ओवर दिस ले बैट जनरली डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। ठीक है जो मैन्युफैक्चर रहता है उसमें 2-30 इंच बेस में कैपेसिटीज ऑफ प्रोवाइड किया जाता है बिटवीन सेंटर्स। देन इसका लेंथ बेड 500-300 mm इसका बेड तक एक स्टैंडर्ड साइज है, मैन्युफैक्चर स्टैंडर्ड है जिसके हिसाब से आपको मार्केट में लेथ मशीन मिल जाता है, स्पेसिफिकेशन हम दे सकते हैं। आप देख सकते हैं लेथ मशीन साइज वगैरह एसीडी है, देन एसीविंग, देन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ओके लेंथ बेड रेडियस 1/2 एंड सीविंग। ओके लेथ साइज वेरियस लेथ साइज आप देख सकते हैं साइज 3000 mm। देन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेथ मशीन्स, लेथ मशीन्स का वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है आप देखिए। लेथ मशीन में हमारा जो वर्क पीस है वो रोटेट करता है, सिलेंड्रिकल जो सरफेस वर्क पीस है वो मूवमेंट्स करता है, देन जो टूल्स है हमारा फीड वगैरह हम दे सकते हैं। ओके जो वर्किंग प्रिंसिपल है रोट मूवमेंट्स देते हैं। ओके देन नेक्स्ट स्लाइड आता है लेथ मशीन्स ऑपरेशंस। लेथ मशीन्स ऑपरेशंस हम कौन कौन से मशीन्स के बारे में, इस मशीन से क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, लेथ ऑपरेशंस के लेथ ऑपरेशंस में हम वेरियस सपोर्टिंग डिवाइस वगैरह डिवेंस बाय दिस एनी वन ऑफ दिस फॉलोइंग्स मेथड्स। देखिए जॉब इसमें 4 टाइप्स दिया है, जॉब होल्ड एंड डिवेन बाय द क्लच एंड क्लच विद द अदर्स एंड द सपोर्टिंग्स ऑन दिस टेलीस्टॉक्स। ओके जॉब को जब हम होल्ड करते हैं कैसे चक और टेलीस्टॉक के बीच में सेंटर्स में तो कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। जॉब इज होल्ड बिटवीन सेंटर्स एंड ड्रिवन बाय कैरियर एंड कैच प्लेट्स। ओके अगर जॉब को हम कैरियर और कैच प्लेट की सहायता से उसको होल्ड करते हैं तो किस कौन सा ऑपरेशंस कर सकते हैं, देन मेंडल और सपोर्टिंग बिटवीन सेंटर्स एंड ड्रिवन बाय कैरियर। अगर ड्रिवन बाय कैरियर के द्वारा हम जॉब को होल्ड करते हैं तो उसमें कौन सा ऑपरेशंस कर सकते हैं, देन चक एंड फेस प्लेट्स एंड एंगल प्लेट्स के द्वारा हम उसको होल्ड करते हैं तो कौन सा ऑपरेशंस कर सकते हैं हम आगे स्लाइड में दिखाते हैं। परफॉर्मेंस ऑपरेशंस व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड इन दिस लेथ होल्डिंग्स इन दिस वर्क पीस बिटवीन सेंटर्स बाय दिस चक प्लेट। ओके जो जब हम बिटवीन सेंटर्स में वर्क पीस बिटवीन सेंटर्स पकड़ते हैं चक में पकड़ते हैं तो हम नंबर एक स्ट्रेट टर्निंग कर सकते हैं, फेसिंग टर्निंग, स्टेपर टर्निंग, सेंटिंग टर्निंग, फाइलिंग, ग्रूविंग, चैम्परिंग, थ्रेडिंग और फॉर्मिंग, पॉलिशिंग, नर्लिंग, देन स्प्रिंग वाइंडिंग्स। ये सारे ऑपरेशन हम बिटवीन सेंटर्स पे वर्क पीस बिटवीन सेंटर्स बाय दिस चक सारे ऑपरेशन वगैरह हम कर सकते हैं। देन वेरियस ऑपरेशंस जब जॉब को हम होल्ड करते हैं चक या फिर एंगल प्लेट्स की सहायता से अंडर कटिंग कर सकते हैं, इंटरनल सेट कटिंग कर सकते हैं, रीमिंग कर सकते हैं, देन काउंटर बोरिंग, टेपिंग, पार्टिंग ऑफ डिलिंग, बोरिंग एंड टेपर बोरिंग ऑपरेशन प्लेट या एंगल प्लेट्स की जब जॉब को हम होल्ड करते हैं वर्क पीस बाय दिस चक एंड फेस प्लेट्स एंगल प्लेट्स। ओके ये सारे ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। देन वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म्स बाय दिस यूजिंग स्पेशल लेथ अटैचमेंट्स, 2 टाइप्स ऑफ लेथ अटैचमेंट, मिलिंग अटैचमेंट, देन ग्राइंडिंग अटैचमेंट्स ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। ओके देन वेरियस ऑपरेशंस हम डिस्कस करते हैं, वेरियस ऑप्शन नंबर एक फेसिंग टर्निंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग,
फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑपरेशन हम प्रोवाइड करते हैं, फेसिंग ऑपरेशन मीन्स जो भी जॉब का हमारा फर्स्ट जो ऑपरेशन हम करते हैं, फेसिंग ऑपरेशन करते हैं। फेसिंग ऑपरेशन जॉब का जो रहता है उसको हम फेस को ओके करने के लिए मीन्स परफेक्ट साइज, देन टर्निंग ऑपरेशन मीन्स रिमूव करने के लिए स्ट्रेट कॉनिकल कर्व एंड ग्रूव वगैरह इसको हम तैयार करते हैं। इसके बाद देन नेक्स्ट ऑपरेशन आता है डीलिंग ऑपरेशंस, प्रोसेस दी होल जो हम होल्स प्रोवाइड करते हैं। डीलिंग ऑपरेशंस करने के बाद हम उसमें बोरिंग ऑपरेशन मींस इन लार्ज ऑफ होल पीवीएस होल्स प्रोवाइड रहता है, उसमें हम बोरिंग ऑपरेशंस करते हैं, लार्ज ऑफ होल करते हैं। थ्रेडिंग ऑपरेशंस एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेडिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। देन नलिंग मींस ड्रेपिंग वगैरह या फिर सर्फेस वगैरह बनाने के लिए हम नलिंग ऑपरेशंस करते हैं। ओके then operations of lathe machines, then facing देखे operations is almost first जो operations होता है facing operations होता है। आप facing operations means facing tools वगैरह जो provide करते हैं विधि है, ठीक है। work is hold in chuck में hold रहता है facing tools वगैरह की feed वगैरह movements करके centers वगैरह हम facing operations कर सकते हैं। figure में आप देख सकते हैं एक jog hold किया गया है chuck और उसको फेसिंग और फर्स्ट ऑपरेशन हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स की सहायता से हम फेसिंग ऑपरेशन करते हैं। ओके फेसिंग ऑपरेशन के बाद सेकेंड ऑपरेशन हमारा प्लेन टर्निंग आता है। प्लेन टर्निंग देन स्टेप टर्निंग। प्लेन टर्निंग मीन्स जो ऊपर का मटेरियल से स्टेट मटेरियल्स वगैरह रिमूव करना, और स्टेप टर्निंग मीन्स वेरियस डायमीटर्स वगैरह के लिए हम स्टेप टर्निंग वगैरह करते हैं। प्लेन टर्निंग ऑपरेशन रिमूव द एक्सेस अमाउंट ऑफ मटेरियल्स मीन्स जो एक्सेस मटेरियल है हमारा उसको हम क्या करते हैं, उस रिमूव करने के लिए हम एक्सेस मटेरियल्स वगैरह हम उसको मूवमेंट्स वगैरह देते हैं। ओके देन स्टेप टर्निंग मींस वेरियस डिफरेंट डायमीटर्स वगैरह के लिए वर्क पीस पीस को अकॉर्डिंग टू वर्क पीस के हिसाब से हम वेरियस डायमीटर्स वगैरह स्टेप टर्निंग्स वगैरह बनाते हैं। मींस फर्स्ट डायमीटर 10 mm, देन सेकंड 20 mm, थर्ड 30 mm, इस हिसाब से हम बनाते हैं उसको, दिस कॉल्ड स्टेप टर्निंग्स। ओके देन ऑपरेशन ऑफ वेरियस डीलिंग्स ऑपरेशंस मेकिंग थ्री दी होल्स ऑफ वर्क पीस विद दी हेल्प ऑफ डील्स, देन टैली स्टॉक्स वगैरह में उसको फिट करके हम डीलिंग ऑपरेशंस वगैरह करते हैं। आफ्टर डीलिंग ऑपरेशंस देन रिमिंग इज ऑफ दी पीवीएस होल्स वगैरह डीलिंग होल्स प्रोवाइड करते हैं रिमिंग ऑपरेशंस पर, दिस कॉल्ड फिनिश ऑपरेशंस। आप देख सकते हैं फिगर में फर्स्ट फिगर दिस डीलिंग ऑपरेशंस, देन सेकेंड रिमिंग ऑपरेशंस। ओके देन वेरियस ऑपरेशंस वगैरह, वेरियस ऑपरेशंस मीन्स स्टेप टर्निंग, स्टेप टर्निंग, टर्निंग ऑफ एक्सटर्नल ग्रूविंग, फेसिंग्स, फेस ग्रूव एंड नर्लिंग ऑपरेशंस वगैरह देख सकते हैं। कटिंग्स विद फॉर्म टूल्स एंड थ्रेडिंग्स वगैरह देख सकते हैं, बोरिंग, इंटरनल ग्रूव, डीलिंग्स, कटिंग, कटिंग ऑफ थ्रेडिंग्स एंड नर्लिंग ऑपरेशंस वगैरह इस फिगर में आपको दिखाया गया है। देन फेसिंग ऑपरेशंस, इस स्लाइड में फेसिंग ऑपरेशंस, देन नर्लिंग ऑपरेशंस, एक्सेस मटेरियल्स रिमूव करते हैं, कटिंग टूल्स, कटिंग टूल्स वगैरह यूज करके वर्क को बिटवीन चक या बिटवीन सेंटर स्पेस को होल्ड करके, लॉन्गिट्यूडनल फीड इज गिवन ऑफ टूल हैंड्स या पावर्स के द्वारा इसको कटिंग ऑपरेशंस करते हैं, थ्रेड कटिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हमारा थ्रेड कटिंग्स, थ्रेड कटिंग्स वगैरह इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेड्स कट कर सकते हैं, बट एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेड्स विद द हेल्प ऑफ लीड स्क्रू। ओके वेरियस कंट्रोल्स वगैरह करते हैं, वेरियस गियर्स वगैरह हम इंगेज करते हैं, चेंज गियर बॉक्स और प्रोवाइड ऑफ द विद ऑफ द डिफरेंट रेशियो ऑफ द स्पिंडल्स एंड लीड स्क्रूज वगैरह हम उसका कैलकुलेशंस वगैरह करके थ्रेड कटिंग्स ऑपरेशंस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स, देन देख सकते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स को हमने एक्सप्लेन किया है। देन इसमें बैक रैक एंगल्स, साइड रिलीफ एंगल्स, साइड कटिंग एज एंगल्स, देन एंड रिलीफ एंगल्स,
एंड कटिंग्स एच एंगल्स देन नोज रेडियस देन साइड रैक एंगल्स देन सेंट ओके सब एंगल्स वगैरह हमने प्रोवाइड किए हैं देन वेरियस टाइप्स ऑफ सॉलिड हमने आपको इस स्लाइड में दिखाया गया है देन बात करते हैं सॉलिड टाइप्स टूल्स देन सॉलिड टाइप्स टूल्स मीन्स इस तरह के इस टूल्स में क्या क्या मटेरियल्स होते हैं मटेरियल्स मीन्स हाई कार्बन स्टील हाई स्पीड स्टील मटेरियल के टूल्स वगैरह बनाए जाते हैं देन ब्रोच टाइप्स टूल्स सैंक इज मेड ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल्स एंड टिप ऑफ टंगस्टन कार्बाइड एंड अदर्स मटेरियल्स वगैरह के टंगस्टन कार्बाइड वगैरह के तैयार किए जाते हैं एक आगे का जो टिप होता है वो ब्रोच टाइप्स का रहा है उसके हिसाब से हम उसको ब्रोचिंग्स वगैरह करके करते हैं देन इनसेट बिट टाइप्स होल्डर्स टूल्स देन इस टाइप के इनसेट बिट टाइप के टूल्स वगैरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्ड मटेरियल्स कैन बी यूज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क इनसेट टाइप्स काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि हमारे पास एक टूल होल्डर रहता है उसमें इनसेट टूल बिट वगैरह हम उसको वेरियस साइज वगैरह के बिट वगैरह यूज करके हम कर सकते हैं ओके देन नेक्स्ट स्लाइड देखिए टाइप्स ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स आप देख सकते हैं सैंक ऑफ वेरियस टूल होल्डर्स वगैरह आपने देखे होंगे मोस्टली सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स वगैरह रहता है उसको डायरेक्ट टूल पोस्ट के साथ में हम कनेक्ट कर सकते हैं ओके देन वेरियस टाइप्स ऑफ ठीक है वेरियस टाइप्स ऑफ मेटल कटिंग मेटल मीन्स फेरस मेटल्स हाई कार्बन स्टील हाई स्पीड स्टील नॉन फेरस मेटल्स मीन्स टंगस्टन मेटल वेनेडियम मेटल नॉन फेरस मेटल मीन्स सेरेमिक एंड डायमंड्स मेटल ओके ये वेरियस कटिंग टूल मेटल हैं वेरियस टर्निंग टूल की बात कर सकते हैं वेरियस टर्निंग टूल्स वगैरह रहते हैं फॉर्म टूल ऑफसेट टूल लेफ्ट हैंड स्ट्रॉन्ग टर्निंग टूल्स फेसिंग टूल्स स्ट्रेट टर्निंग बोर्ड कटिंग्स देन ग्रोविंग्स राउंड नोट्स फिनिश टूल्स वेरियस टर्निंग टूल्स आपको फिगर में दिखाए गए हैं ये वेरियस टर्निंग टूल्स हम एज पर ड्राइंग के हिसाब से उसको तैयार करते हैं जो से एज पर ड्राइंग के हिसाब से फॉर्म टूल्स बनाना है फॉर्म टूल्स करते हैं देन राउंड नोज फिनिश टूल्स बनाना है तो हम उस तरह के टूल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं आप में लेथ मशीन्स में कौन कौन से वर्क होल्डिंग डिवाइस यूज कर सकते हैं चक क्लच चक पॉलेट मैग्नेटिक चक वेरियस होल्डिंग डिवाइस वगैरह हम यूज कर सकते हैं देखिए थ्री जा चक यूज कर सकते हैं थ्री जा चक इज मोस्टली यूज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं थ्री जा चक मोस्टली यूज किया जाता है सेल्फ सेंटिंग चक भी बोलते हैं सिलिंड्रिकल स्टॉक सेंटर्स ओके इसमें वेरियस ऑपरेशंस वगैरह भी इजी मेथड से हम इसको मूव कर सकते हैं बट रेक्टेंगल स्पील रेक्टेंगल जॉब्स स्क्वायर जॉब्स वगैरह हम इसमें इजी होल्ड नहीं कर सकते हैं बट कर सकते हैं देन फोर्जा चेक वगैरह इंडिपेंडेंट चेक बोलते हैं इसमें वेरियस अनइक्वल साइज के भी जॉब्स वगैरह होल्ड कर सकते हैं वेरियस मार्क्स वेरियस प्रोडक्शंस वगैरह में भी आपको देखने के लिए मिल जाता है वेरियस ग्रिप पावर फोर्जा चेक में अच्छा रहता है ठीक है Then clip and magnetic check, polish check means small work piece वगैरह को hold करने के लिए work करने के लिए hold करने के लिए हम clip check वगैरह use करते हैं magnetic check means पतले thin job वगैरह को hold करने के लिए हम magnetic check वगैरह use करते हैं okay lathe accessories हमारे पास क्या क्या है lathe accessories means tool post check driving plates और face plates saddles लेथ सेंटर्स एंड लेथ कैरियर्स एंड लेथ मैंडल्स लेथ एसेसरीज हमारे पास क्या है लेथ एसेसरीज की बात करते हैं टूल पोस्ट सभी ने वर्क किया है टूल पोस्ट में मटेरियल्स कास्ट आयरन एंड मटेरियल्स एंड यूज इसका टूल पोस्ट का यूज किया है टू क्लैंप ऑफ ओके जॉब को टू टूल पोस्ट का जो
टूल पोस्ट एंड वेरियस टूल्स को वगैरह क्लेम करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ कॉमन टूल्स अमेरिकन टूल्स क्लेम टूल्स देन फोर टाइप्स ऑफ वे टूल्स वगैरह यूज किए जाते हैं चेक का वर्क क्या है क्लेम करना जॉब्स को वगैरह जॉब को क्लेम करना देन थ्री जा चेक फोर जा चेक एंड कॉल इट एंड मैग्नेटिक चेक आप देखते हैं चेक वगैरह आपको देखने के थ्री जा चेक मीन सेल्फ सेंटरिंग चेक बोलते हैं बॉडी बैक प्लेट्स बॉडीज वेरियस पार्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं इस थ्री जा चेक में कौन कौन से पार्ट्स वगैरह रहते हैं क्लैम्पिंग स्मॉल बॉडीज एंड फोर जा चेक अनइक्वल साइज के जो भी जॉब्स वगैरह होते हैं उसको हम क्लैम्प कर सकते हैं ठीक है बैक प्लेट्स बॉडीज या स्क्रू शॉफ्ट एंड वेरियस अनइक्वल साइज irregular size job होते हैं circle size means triangle size square size cylindrical जो भी circle size होते हैं हम उसको उस job को इसमें hold जा चेक में hold कर सकते हैं magnetic check आप देख सकते हैं magnetic check types of check electromagnetic check होता है इस finish job वगैरह को hold करने के लिए हम इस check का use करते हैं then quality check small size वगैरह इस productions work के लिए हम इस check वगैरह का use हम करते हैं ओके इस इस जॉब का मीटिंग करते हैं ड्राइविंग प्लेट्स यूज ऑफ होल्ड कैरियर्स विद दिस डूइंग बिटवीन सेंटर्स जो ड्राइविंग प्लेट्स का यूज करते हैं ड्राइविंग प्लेट्स मींस क्या करते हैं ड्राइविंग प्लेट्स होल्ड कैरियर विद द डूइंग बिटवीन सेंटर्स और टाइप्स ऑफ ड्राइविंग प्लेट्स मींस सिंगल पिन टू पिन्स देन स्लॉटेड ओके देन लेथ स्टडीज यूज ऑफ सपोर्ट्स हैवी एंड लॉन्ग जॉब वगैरह के लिए स्टडी रेस्ट वगैरह यूज करते हैं फिक्स स्टडी रेस्ट केवलिंग्स देन रिवॉल्विंग्स स्टडी रेस्ट वगैरह यूज करते हैं देन फिक्स स्टडी रेस्ट आप देख सकते हैं कि इसको के साथ में विद द हेल्प ऑफ नट बोल्ट्स की सहायता से उसको क्लैंप किया जाता है और केवलिंग्स स्टडी रेस्ट वगैरह देख सकते हैं कि जॉब पार्ट्स वगैरह किए एडजस्टेबल स्क्रू फ्रेम एंड एडजस्टेबल स्क्रू बेस एंड जॉब एंड टूल्स ठीक है एंड रिवॉल्विंग स्टडी रेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट मींस जॉब को बिटवीन जॉब को सेंटर पे होल्ड किया जाता है और लेथ सेंटर्स इसका मटेरियल कार्बन स्टील्स वगैरह के लिए रहता है अकॉर्डिंग टू हिसाब से इसको यूज किया जाता है टिप सेंटर इनसेट सेंटर रिवॉल्विंग सेंटर एंड हाफ सेंटर एंड पाइप सेंटर एंड वॉल सेंटर्स वगैरह यूज करता है हाई कार्बन स्टील्स वगैरह के सेंटर्स वगैरह बनाए जाते हैं फेस क्लैंप्स अनइक्वल साइज जो के जॉब्स वगैरह रहते हैं उसको हम फेस प्लेट्स वगैरह यूज किया जाता है ओके देन एंगल प्लेट्स क्या है जो अनइक्वल साइज के जो जॉब्स वगैरह अनइक्वल एंगल प्लेट्स वगैरह मींस जो क्लैंप अनइक्वल साइज के जो सेफ्टी जॉब्स रहते हैं उस वो एंगल प्लेट की हेल्प की सहायता से हम उसको ये करते हैं देन नेक्स्ट स्लाइड आता है लेथ कैरियर यूज ऑफ द रनिंग बिटवीन टर्निंग बिटवीन सेंटर्स ऑन दिस लेथ यूज व्हेन टर्निंग बिटवीन सेंटर्स ऑन दिस लेथ वेरियस टाइप्स ऑफ कैरियर होते हैं स्टेट टेल कैरियर बैंड टेल कैरियर
वेरियस कैरियर्स वगैरह आप देख सकते हैं, वेरियस कैरियर्स वगैरह इसमें प्रोवाइड किया जाता है, स्टेट्स एंड कैरियर्स, देन बैंड बैंड कैरियर एंड डबल स्लॉटेड कैरियर्स, ओके। मेंडल्स वगैरह पॉइंट देख सकते हैं, मेंडल्स का यूज किया गया टू होल्ड दिस जॉब फॉर मशीनिंग्स ऑफ दिस लेथ मशीन्स, मशीनिंग्स ऑन द लेथ, वेरियस गेयर्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, वेरियस ऑपरेशन वगैरह करने के लिए मेंडल्स वगैरह यूज करते हैं, प्लेन मेंडल, स्टेप मेंडल, कॉलर मेंडल, स्क्रू मेंडल्स, देन कोन मेंडल्स, गैंग मेंडल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ मेंडल्स आप देख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ गेयर्स वगैरह बनाना है या फिर कुछ वेरियस ऑपरेशन वगैरह करना होगा तो हम इस मेंडल्स वगैरह का यूज करते हैं। टेपर देख सकते हैं, वेरियस टेपर्स यूज टू असेंबली एंड डिसेंबलिंग ऑफ दिस टू पार्ट्स ऑफ टेपर्स वगैरह देख सकते हैं। देन सेल्फ अलाइनमेंट्स, टेपर्स मीन्स टेपर एलिमेंट्स, मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, टेपर लेंथ एंड टेपर एंगल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टेपर्स, देन सेल्फ होल्डिंग टेपर्स, देन क्विक रिलीज टेपर्स, ओके। वेरियस टाइप्स ऑफ टेपर, स्टैंडर्ड टेपर्स, मोस्ट टेपर्स, जर्नी टेपर्स, इन टेपर्स, देन ISI एंड मैट्रिक्स टेपर्स, ओके। टेपर टर्निंग की बात करते हैं, वेरियस टेपर टर्निंग मेथड है, फॉर्म मेथड, कंबाइंड कंपाउंड स्लाइड मेथड्स, देन टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड, देन टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम कंपाउंड रेस्ट मेथड्स के द्वारा टेपर टर्निंग कैसे निकालते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन टू एल, जिसमें मेजर डायमीटर कैपिटल डी, स्मॉल डायमीटर माइनर डायमीटर, देन टेपर लेंथ एल, टेपर टर्निंग स्क्वायर, देन एडवांटेज क्या रहता है, कैन बी मेड एक्सटर्नल एंड इंटरनल टेपर्स वगैरह कर सकते हैं कंपाउंड रेस्ट विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड रेस्ट, इजी मेथड्स होता है कंपाउंड रेस्ट। देन फॉर्म टूल्स मेथड्स के द्वारा हम देख सकते हैं, फॉर्म दिस मेथड इज यूज टू मास प्रोडक्शन फॉर दिस प्रोडक्शन। स्मॉल लेंथ वगैरह के लिए हम फॉर्म टूल मेथड्स वगैरह यूज करते हैं, टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। टेल स्टॉक फार्मूला क्या है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इनटू एल अपॉन टू एल, ओके। मैट्रिक्स टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड के लिए, ऑफसेट मेथड के लिए फार्मूला हमारा टेपर टर्निंग ऑफसेट मेथड, डी डी माइनस अपॉन टू एल इनटू एल, मेथड्स के द्वारा हम इसको कैलकुलेशंस करते हैं। देन मैट्रिक्स टेपर आप देख सकते हैं, दिन नोन एज डी इंटू डी कैपिटल डी, d प्लस टोटल d मीन्स d इंटू डी अपॉन एल अपॉन के, ये मैट्रिक्स पेपर का कैलकुलेशन। देन यूजिंग ऑफ कंपाउंड रेस्ट, tan थीटा इज इक्वल टू d1 माइनस d2 अपॉन 2l, ये फार्मूला से हम इसको पेपर निकल सकते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड आता है नर्लिंग, यूज ऑफ ग्रिप फॉर दिस हैंडल्स, नर्लिंग का यूज कहाँ पे किया जाता है, हैंडल्स ग्रिप वगैरह बनाने के लिए, किसी भी वर्क पीस में बनाने के लिए हम नर्लिंग ऑपरेशंस करते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ नर्लिंग ऑपरेशन, डायमंड नर्लिंग, स्ट्रेट नर्लिंग, क्रॉस नर्लिंग, दैट इंटरनल नर्लिंग, आउटसाइड नर्लिंग्स, ओके। ये वेरियस वेरियस टाइप्स ऑफ नर्लिंग्स वगैरह आप देखने के लिए आपको मिल जाते हैं कि वेरियस टाइप्स के कौन कौन से टाइप्स के नर्लिंग्स वगैरह होते हैं। नर्लिंग टूल्स वगैरह कौन से रहते हैं, सिंगल रोल नर्लिंग, देन नकल ज्वाइंट्स नर्लिंग, देन रिवॉल्विंग हेड नर्लिंग टूल्स आप देख सकते हैं। फर्स्ट सिंगल, देन रोलर, देन नर्लिंग और कोर्स मीडियम फाइन कोर्स के लिए 1.7 mm पिच रहता है। देन मीडियम नर्लिंग के लिए 1.25 mm पिच, फाइन नर्लिंग के लिए 0.75 पिच, ओके। ये नर्लिंग के लिए ग्रेड रहता है कि ओके। देन स्क्रू थ्रेड की बात करते हैं कि स्क्रू थ्रेड कटिंग्स कैसे करते हैं, कि इसमें एक स्पेशल टूल्स वगैरह कि जिसके द्वारा हम लीड स्क्रूज वगैरह उसको गियर्स एंगेज वगैरह किया जाता है। आप देख सकते हैं जैसे स्पेंडल और क्लच के साथ जॉब को होल्ड किया जाता है, और उसमें वेरियस लीड स्क्रूज वगैरह उसको गियर के साथ पर कैलकुलेशन ट्रेन के साथ में कैलकुलेशन करके, और थ्रेड सिंगल पॉइंट टूल्स विद द लीड टूल्स की मीन्स स्पेशल टूल्स वगैरह बनाए जाते हैं। कौन कौन से थ्रेड्स करना है, वी थ्रेड करना है, स्क्वायर थ्रेड करना है, एक्स थ्रेड करना है, तो उसके हिसाब से हमें टूल्स
तैयार किए जाते हैं, ठीक है। मेनली मोस्टली डिफरेंट फॉर्म ऑफ दी स्क्रू थ्रेड्स ऑफ दिस सेक्शंस ऑफ थ्री मोस्ट कॉमन टाइप्स देन वी थ्रेड्स, स्क्वायर थ्रेड एंड एक्सटेंडेड थ्रेड्स। मींस 30 to 60 डिग्री हमारा रहता है, स्क्वायर थ्रेड हमारा जो रहता है 90 डिग्री रहता है, दैट एक्मे थ्रेड का जो एंगल्स रहता है 29 डिग्रीज हम उसको तैयार करते हैं। स्पेशल एंगल्स, स्पेशल कटिंग टूल्स वगैरह तैयार करते हैं, उस थ्रेड टूल्स वगैरह तैयार करके हम इसमें थ्रेडिंग वगैरह तैयार करते हैं। कटिंग स्पीड वेरी इंपॉर्टेंट, कटिंग स्पीड वगैरह इंपॉर्टेंट है कि कटिंग स्पीड अगर हम करेक्ट कटिंग स्पीड रहता है तो हमारा गुड टूल्स वगैरह अच्छे तरह से लाइफ उसका अच्छा रहता है और हमारा मास प्रोडक्शन वगैरह इंक्रीज होता है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इंक्रीज होता है। तो कटिंग स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम प्रॉपर तरह से एज पर मेटल्स के हिसाब से हम उसको सिलेक्ट करते हैं, कौन कौन से काइंड ऑफ मटेरियल्स बीइंग कट, कटिंग टूल्स मटेरियल्स क्या है, शेप ऑफ कटिंग टूल्स क्या है और टाइप्स ऑफ कटिंग्स रूड वगैरह भी है प्रोवाइड करते हैं। कैलकुलेशन कैसे करते हैं कटिंग टूल्स का, कटिंग टूल्स का कटिंग पाई इनटू डी अपॉन 1000, उस कैलकुलेशन के हिसाब से हम कटिंग टूल्स प्रोवाइड करते हैं। कटिंग टूल्स स्पीड ऑफ टर्निंग दिस स्पीड ऑफ विच रोटेशन ऑफ वेरियस नॉन एज सरफेस प्लेट्स, ओके। वेरियस कटिंग टूल्स वगैरह हम प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्कमफ्रेंस वगैरह। देन आप देख सकते हैं कटिंग स्पीड कैसे सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो सॉफ्टर सॉफ्ट मटेरियल्स से फास्ट मटेरियल्स की तरह रिकमेंडेड कटिंग स्पीड किया गया, स्टील आयरन एल्यूमिनियम एंड लीड इंक्रीज कटिंग स्पीड। देन आप देख सकते हैं कि वेरियस मेटल्स वगैरह कार्बन स्टील हाई कार्बन या कार्बाइड की तरफ हम उसको इंक्रीज कटिंग स्पीड, ओके। तो वेरियस फैक्टर्स वगैरह भी रहते हैं डिटरमाइंस कटिंग स्पीड का, वेरियस फैक्टर रहता है मटेरियल्स बीइंग कट, देन अदर्स मटेरियल्स वगैरह टूल्स वगैरह मेड फ्रॉम डेप्थ ऑफ कट, देन कटिंग स्पीड वगैरह कूलेंट्स वगैरह प्रॉपर नहीं होगा। तो प्रॉपर सेटिंग्स, सेटिंग स्पीड ऑन लेथ, कटिंग स्पीड्स वगैरह कैसे सेट करते हैं, देखिए वी बेल्ट की सहायता से करते हैं, वी बेल्ट्स गियर्स वगैरह उसको चेंज करते हैं, गियर हेडस्टॉक चेंज। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, नेवर चेंज स्पीड्स व्हेन लेथ इज रनिंग। जब लेथ रनिंग सो उस समय हम गियर्स वगैरह, उस गियर्स वगैरह चेंज करके उसको स्पीड वगैरह चेंज नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे गियर्स वगैरह डैमेज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स वगैरह आइडेंटिफाई होते हैं। नेक्स्ट साइड आता है माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के लिए जो हमारा स्पीड रहता है कटिंग स्पीड रहता है 20 to 29, देन कार्बन स्टील के लिए 18 to 25, देन हाई कार्बन स्टील के लिए 12 से 18, ब्रॉन्ज के लिए 45, देन अदर्स के लिए यूज करते हैं फीट, ओके। देन सिंपल कैलकुलेशन मीन्स पाई डी अपॉन 1000, वेरियस लेथ सेफ्टीज, लेथ सेफ्टी की बात करते हैं कि लेथ सेफ्टी बिफोर स्टार्ट में हमें ध्यान रखना है, देन लेथ सेफ्टी इज रनिंग कंडीशंस, देन सेफ्टी आफ्टर ऑपरेशंस। इन सबको हमें लेथ सेफ्टी के बारे में हमें अंडरस्टैंड रहना है कि कौन कौन से सेफ्टीज के बारे में हमें देना, स्टार्ट करने से पहले हमें उन सब पार्ट्स को चेक करना है, रनिंग करने रनिंग कंडीशंस में हमें कोई भी पार्ट्स लूज आ रहा है तो उसको हमें चेक करना है। देन लेथ मेंटेनेंस की बात करते हैं, लेथ मेंटेनेंस में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है कि लेथ मशीन्स का मेंटेनेंस वगैरह करना है तो सबसे पहले क्लीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हम अगर मशीन्स को यूज कर रहे हैं तो उसमें क्लीनिंग ऑल पार्ट्स को हमें क्लीनिंग करना है, क्लीनिंग कोई भी पार्ट्स है मीन्स हेड स्टॉक टैली स्टॉक एप्रन कैरीज क्रॉस लाइट कंपाउंड एवरी पार्ट्स को हमें क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद हम करने के बाद फिर लेथ मशीन्स का सेकंड पॉइंट्स आता है कि ऑयलिंग वगैरह करना है, ऑयलिंग वगैरह अगर प्रॉपर करेंगे अदर स्लाइड में वो तो हम इजी मेथड से हम उसको मूवमेंट्स दे सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा आता है रूटीन मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल लेथ, मींस किस किस रूटीन्स के द्वारा हम कर सकते हैं, माइनर सर्विस, देन माइनर सर्विस में हम क्या कर सकते हैं, ऑयल चेंज वगैरह कर सकते हैं, देन क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं, देन वेरियस बेल्ट्स वगैरह जो भी डैमेज है वो हम कर सकते हैं। ये माइनर सर्विस मींस डेली वर्क सर्विस है। देन मीडियम सर्विस में आ जाता है, माइनर सर्विस हम डेली कर रहे हैं, देन वीकली एंड मंथली सर्विस मीडियम सर्विस आ जाता है, ऑयलिंग वगैरह चेंज करना है, देन कुछ ऑपरेशंस वगैरह करना है हम उसमें कर सकते हैं। देन मेजर सर्विस में हमारा मेजर सर्विस मींस क्वार्टरली हाफली देन ईयरली सर्विस अकॉर्डिंग टू वर्क के हिसाब से होता है। अगर ज़्यादा वर्क हो रहा है उस मशीन से वर्क कर रहा है तो हम उसको उस मशीन को मेजर सर्विस में डाल के उसको पूरी सर्विस में हम उसको पूरे जॉब्स को हम उसको होल्ड करते हैं, ओके। तो यहाँ तक हमारा ये
लेथ मशीन का टॉपिक हमारे यहाँ होता है. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, प्लीज सेंड माय ईमेल एड्रेस anilsachan85@gmail.com. तो आपका जो भी डाउट्स है, आपका जो भी क्वेश्चन है, आप प्लीज हमारे मेल आईडी पे आप भेज सकते हैं. और आपका आंसर लास्ट टाइम भी काफी स्टूडेंट्स ने काफी हमारे मेल पे क्वेश्चंस पे हमने उनको पीपीटी वगैरह प्रोवाइड किया, क्वेश्चंस का आंसर वगैरह दिया. और ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा जो आज का टॉपिक से काफी आपको समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड. देन नेक्स्ट जो टॉपिक से, नेक्स्ट जो लेसन है हमारा जिग एंड पिक्चर्स. देन नेक्स्ट स्लाइड जब भी हमें स्लॉट प्रोवाइड किया जाता है, हम आप इन्फॉर्म करेंगे. जिग पिक्चर नेक्स्ट लेसन है हमारा. इंट्रोडक्शन ऑफ जिग पिक्चर एंड द यूज ऑफ जिग एंड पिक्चर्स, टाइप्स ऑफ जिग एंड पिक्चर्स, काफी इंजॉय करेंगे आप. और इसके बारे में कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चंस है, आप मेरे मेल पे भेज सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको शो कर रहा है anilsachan85@gmail.com. और आपके जो भी मेल आएंगे हमारे पास, हम उम्मीद करेंगे कि हम आपका आंसर दे सकें. और आज का जो हमारा जो टॉपिक था लेथ मशीन्स वगैरह, लेथ मशीन्स में आपने देखा पोर्टल व्हील्स वगैरह जो वर्क कर रहा है, पोर्टल व्हील्स एंड हेनरी मॉड्सले नामक साइंटिस्ट ने उन्होंने डेवलप किया. और वेरियस ऑपरेशंस वगैरह जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मशीन है, एवरी फील्ड वगैरह में, एवरी इंडस्ट्रीज वगैरह में आपको इस मशीन्स वगैरह देखने के लिए मिल जाती है. और काफ़ी ऑप्शंस वगैरह के लिए इसको फादर ऑफ मशीन्स बोलते हैं और मदर ऑफ मशीन्स बोलते हैं. मदर ऑफ मशीन्स मीन्स क्या रहता है, जो भी वर्क है हम उसको वर्क कर सकते हैं, एवरी रिपेयर पार्ट्स वगैरह भी रिपेयर कर सकते हैं. और ऑपरेशंस वगैरह हो गया, कटिंग स्पीड, सिंगल पॉइंट्स, वैसेज, ऑल एसेसरीज वगैरह भी. हम एसेसरीज आपने देखा कि चक, मैंडल्स, कैरेज, सेंडर्स, ऑल एसेसरीज वगैरह भी देखा, नर्लिंग्स वगैरह भी, ऑपरेशंस वगैरह आपने इसको देखा. ठीक है, ऑल ऑपरेशंस वगैरह भी आप इसमें कर सकते हैं. कोई भी ऑपरेशंस आप विद दी हेल्प ऑफ मिलिंग ऑपरेशंस, मिलिंग अटैचमेंट्स वगैरह देखे, ग्राइंडिंग अटैचमेंट्स वगैरह देखे, आप इसको कर सकते हैं. ठीक है, ये मशीन्स वेरी लेथ मशीन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट मशीन्स इन वर्कशॉप. ओके, वर्कशॉप वगैरह में काफ़ी इंपॉर्टेंट मशीन है. इसको सबसे पहले काफ़ी हेनरी मॉड्सले नामक वैज्ञानिक ने इसको तैयार किया था. और काफ़ी और पोर्टल व्हील्स मीन्स कुम्हार का चक के सिद्धांत पे ये वर्क कर रहा है. मीन्स आपने देखा है कि आपके वर्कशॉप वगैरह में आपने देखा है कि आउटसाइड में कुम्हार जो वर्क करता है कि उसका जो व्हील रोटेट करता रहता है, व्हील कैसे रोटेट करता है, उसके ऊपर मिट्टी रख के उसको वेरियस डिजाइंस, वेरियस शेप वगैरह कन्वर्ट, वेरियस शेप वगैरह बनाता है वो. तो वो उसके सिद्धांत से हमारे उसके जो वर्क से यहाँ पे लिया गया है कि वो मूवमेंट्स देता है, देन वेरियस शेप. इसी तरह इसमें चक में जॉब को होल्ड किया जाता है. इसमें इम्पोर्टेंट रहता है कि चक में जॉब को होल्ड करके, उसको सिलेंड्रिकल जॉब होल्ड करके और टूल्स को फीड वगैरह देके हम वर्क करते हैं. ओके, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको दे दिया. देन इसमें इसका दूसरा नाम भी हम लेथ मशीन से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स मशीन्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो भी टूल्स यूज किया जाता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स एंड अदर्स टूल्स वगैरह भी हम विद एसेसरीज वगैरह हम कर सकते हैं. ओके, तो उम्मीद करें कि सब ये टॉपिक समझ में आया होगा. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, आप मेरे मेल पे भेज सकते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक्स जैसे भी आप हमें अलॉटमेंट किया जाता है, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि जिग एंड फिक्चर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ जिग एंड फिक्चर्स, यूज ऑफ जिग एंड फिक्चर्स, देन टाइप्स ऑफ जिग एंड फिक्चर्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है. और काफ़ी इंजॉय करेंगे आपको आप इस टॉपिक्स के बारे में. काफ़ी अच्छी तरह से मैंने इसको तैयार किया हुआ है. और कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, आप मेरे मेल पे भेजिए और मैं आपको उस मेल के द्वारा आपको रिप्लाई भेजूंगा. ओके, देन ऑल ऑपरेशंस आपने इंट्रोडक्शंस देखा, पार्ट्स, टाइप्स एंड वेरियस होल्डिंग डिवाइस, एसेसरीज और सेफ्टीज, लेथ सेफ्टीज और लेथ मेंटेनेंस. ओके, मैंने स्टार्टिंग से लेके टॉप से लेके अंत तक आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंट्रोडक्शन मशीन्स का, आप स्टार्टिंग मशीन से स्टार्ट करेंगे, ऑपरेशन स्टार्ट करने के बाद आपको मेंटेनेंस कैसे करना है, राइट. इंट्रोडक्शन लिया मैंने, इंट्रोडक्शन लेने के बाद पार्ट्स, टाइप्स, एसेसरीज, कटिंग, ऑपरेशन, इस स्लाइड में मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है. मींस
मशीन्स स्टार्ट होने से पहले मीन्स लास्ट तक मेंटेनेंस कैसे करेंगे, ओके, माइनर, मीडियम और मेजर, ठीक है। तो मैंने इंट्रोडक्शन से लेके उसको मेंटेनेंस तक आपको एक्सप्लेन किया, तो ओके, तो ये सेशन हमारा यहीं फिनिश होता है। और कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, आप प्लीज मेरे मेल पे भेजिए, मैं आपको आंसर आपको मेल के द्वारा आपको प्रोवाइड करूँगा, ओके। तो